ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? बार बार हम कमला के पास क्यों पहुंचे जा रहे हैं? उस दिन पूजा के कमरे में गए, वहां कमला आ गई। गिफ्ट देने किचन में शांति जी के पास गए, वहां कमला आ गई। इस मुसीबत के ही समय में मिर्जा को बाहर जाना था। अरे होता तो कम से कम कुछ उपाय बताता। अबे मिश्रा जी, इतना बुरा मुंह बनाए काहे बैठे हो? जैसे पड़ोसी के रात भर गुम्मा चलायो, क्यों परेशान हो इतना? अरे क्या बताएं बिट्टू भैया, जब से कमला नाम की मुसीबत आई है ना हमारी जिंदगी में, तब से हम परेशान ही चल रहे हैं। एक चीज बताई भैया, तुमको परेशान ही चलना पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि 100% दो कमसिन कुंवारों की जो तुमने बद्दुआ ले ली है। दो कुंवारे मतलब हम दोनों? हम लोगों के पास एक बीवी नहीं है और तुम दो बीवी लेके घूम रहे हो। इसरा, तुमने जो दर्द दिया है ना हम दो कुंवारों को, वो कोई कुंवारा ही समझ सकता है। तुम नहीं समझ पाओगे मिश्रा। इसीलिए एक से ज्यादा बीवी रखने वालों को हम लोग पूरा दिन बिना चीनी की चाय पी पी के कोसते हैं, बद्दुआ देते हैं, कुढ़ते हैं। वही बद्दुआ लग गई है तुम्हारे। अरे तो हमने दूसरी शादी की कहाँ, वो तो खुदे गले पड़ी हुई है। गलत बात मिश्रा, कोई लड़की यूं ही गले नहीं पड़ती है, कोई ना कोई पेंच है जरूर। अबे हमसे तुम केवल लंबाई ही मत बड़े हो, और कौन तुम्हारे अंदर विशेष गुण है जो बिट्टू कपूर के अंदर नहीं है? हमसे आज तक हंसी मजाक चिकाई तक में कोई लड़की गले नहीं पड़ी। अगर हमारे गले पड़ जाती ना तो जिंदगी भर के लिए गले लगा लेते उसको। और एक ये है, परेशान घूम रहे सच्चू। अरे लड़की पीछे पड़ना तो दूर, हमारी तरफ आज तक किसी ने ठीक से देखा तक नहीं है। लेकिन बिट्टू कपूर का जीवन भर एक उसूल रहा है। अच्छा, तुम्हारे भी उसूल हैं? क्या नेताओं के उसूल नहीं हो सकते हैं क्या? नहीं, हो सकते हैं। अच्छा तो क्या उसूल है तुम्हारे? अबे अब हम बता ही नहीं सकते। अब तुम भाई जी खोपड़ी दई दई मारो चबूतरे में, हम बता नहीं सकते। तुमने बिट्टू कपूर का ईगो अल्ट कर दिया। चल बे पप्पू। हां चलो। दीदी, पहले तो हमें लगता था कि आप ही गलत हो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारा ही सिक्का खोटा निकला। अरे दी, आप अपने सारे खोटे सिक्के हमको दे दीजिए, हम चला देंगे। क्या? हाँ, गोलू के गुल्लक में बहुत सारे चिल्लर जमा करके रखे हैं, उसी में मिलाकर चला देंगे आपका भी खोटा सिक्का। लेकिन यहाँ खोटे सिक्के से हमारा मतलब मिश्रा जी से है। अच्छा। वैसे दीदी, उनको भी चला देंगे। अब आप क्या चलाएंगे उन्हें? अब तो हम उन्हें मार मार के ऐसा धोएंगे ना जैसा उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। सोच भी नहीं सकते थे हम कि मिश्रा जी ऐसा कांड कर जाएंगे। सही कह रही है दी, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि गोलू के बाबू ऐसी हरकत करेंगे। गुस्सा तो इतना आता है कि मन करता है कि मुर्गा बना कर रखे, लेकिन फिर जब इतनी बड़ी हवेली देखते हैं तो खुद ही मोरनी बनकर नाचने का मन करता है। इसीलिए हमने उनको माफ कर दिया। वैसे आपने माफ कर दिया होगा, लेकिन हम मिश्रा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया है ना हमारे साथ, इसका भुगतान तो उनको करना ही होगा। क्या भाभी, आप और कमला दोस्त बन गए? हाँ, अब एक ही घर में रहना है तो कब तक ऐसे लड़के रहें, इसलिए सोचा कि दोस्ती बन जाए। हाँ, कल जो हाथ मरोड़ के आपकी चूड़ी टाइट की थी ना कमला ने, उससे दोस्ती कर लेना ही ठीक था, वरना पता नहीं क्या हश्र करती हैं आपका। सकीना, तुमने कुछ कहा ना? नहीं नहीं तो भाभी। बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि अच्छा ही हुआ ना कि आपको हवेली में काम में हाथ बटाने के लिए कोई तो मिल गई। नहीं मतलब, लेकिन हम तो ये कह रहे थे कि मिश्रा भाईजान को अपने लेवल का कुछ तो ख्याल करना चाहिए था,
बताओ गुब्बारे वाली के साथ जाके इश्क लड़ाने लगे? अरे गुब्बारे तो तब बेचने लगे जब मिश्रा जी उनको छोड़कर चले गए, वरना उससे पहले तो कमला और गोलू दोनों का खर्चा उठाते थे मिश्रा जी। अच्छा, लेकिन ये कमला मिली कहाँ मिश्रा भाई जान को? अरे बता रही थी कि कहीं बाजार अजार में एक दूसरे से टकरा गए थे और फिर ऐसे ही कर ली होगी फिर मंदिर में भी शादी। वैसे मिर्जा भाईजान के क्या हाल चाल है? मियाँ की तो हमें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, वो है ना उनके पीछे गए हैं हमारे खबरी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ हमें लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पर। हाँ, सब कुछ लाइव दिखाते हैं वीडियो कॉल पे। ये बड़ा अच्छा किया तुमने, हम भी यही कर लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन का तो ठीक है भाभी, पर रात में तो बड़ी परेशानी होती होगी ना। क्या बताएं हम, रात को ये कमरे से बाहर निकलकर भाग गए पहले तो, और फिर आधी रात को कमला के कमरे से बाहर निकले। इसीलिए आज हम दोनों बहनों ने फैसला किया है। बहनों ने? अरे अब वो हमको सौतन बोले और हम उसको सौतन बोले अच्छा थोड़ी लगता है, तो हमने सोचा कि एक दूसरे को बहने बहने बोला करेंगे, इससे लोगों में भी इज्जत बनी रहती है। हाँ वो तो है, तो फिर क्या सोचा आप दोनों बहनों ने? हमने सोचा है कि मिश्रा जी को पहले हवा में उछालेंगे, अगर वो उल्टे गिरे तो वो हमारे कमरे में सोएंगे, और अगर सीधे गिरे तो कमला के। लेकिन भाभी ये सब आप सिक्का उछाल के भी तो कर सकती हैं ना? अरे नहीं सकीना, इससे हमारे दो काम हो रहे हैं, एक तो ये कि ये पता चल जाएगा कि मिश्रा जी किसके कमरे में सोएंगे, और दूसरा ये कि इससे मिश्रा जी को अपने कर्मों की सजा भी मिल जाएगी। वाह भाभी क्या खूब तरकीब निकाली है आपने तो, वैसे अल्लाह ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर मियाँ ने कभी ऐसा किया ना तो हम भी उछाल उछाल कर फैसला करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। इतना काहे हंसती हो? देखो बेटा गोलू, ऐसे गाली नहीं देते बेटा। अरे तो दादी जी पहले पागल ने हमको ऐसा बोला, बाद में हमने उस पागल को ऐसा बोला कि हमसे अच्छे से बात करो। अच्छा हम आते हैं। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बाबूजी बोल बेटा। हमने पता किया है, डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा हमारा है कि नहीं। अरे बेटा डीएनए टेस्ट से ये तो पता चल जाएगा कि वो तुम्हारा बच्चा है कि नहीं, लेकिन ये कैसे साबित करोगे कि वो तुम्हारी बीवी है कि नहीं? उसने तो सारे सबूत जुटा के रखे हैं। वो तो है बाबूजी। हाँ। और अगर मान लो डीएनए टेस्ट से ये पता चल गया कि वो तुम्हारी औलाद नहीं है, तो बेटा फिर तो और ज्यादा जग हंसाई होगी। क्यों क्यों? तभी लोग ये नहीं कहेंगे कि बीवी तो तुम्हारी है लेकिन औलाद किसी और की है। अरे लग गए। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तुम तो एक काम करो बेटा, बाहर रिक्शे को रोको और उसको बोलो कि हमको भैंसा कुंड छोड़ा है। भैंसा कुंड क्यों? अरे अपने यादव जी है ना, उनकी माँ की ननद खत्म हो गई, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी। अरे तो यादव जी की माँ की ननंद के मरने पे आपका जाना जरूरी क्यों है? अरे कल को हम मर गए तो हमारी मैयत में कौन जाएगा फिर? क्यों हम लोग मर गए हैं क्या? हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हे चलो चलो बंद करो अपनी दुकान। बंद करें? लेकिन क्यों? थाने चलना है। थाने चलना है? हमने ऐसा क्या किया है इंस्पेक्टर साहब जो थाने जाना है? बिट्टू और पप्पू ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई है।
बिट्टू और पप्पू ने? भैया हमने कराई है FIR आपके खिलाफ। कोई हम डरते दबते नहीं, हम साफ बात बता रहे हैं, हमने करी। क्यों? क्योंकि हमको दिक्कत थी। मेरे यहाँ एक ढंग की बटुइया नहीं है, आपके यहाँ 5-5 लीटर के कुकर दिन भर सीटी मारा करते हैं। किसी और को दिक्कत हो ना हो, मेरी बुद्धि खराब होती, हम कोई डरते नहीं है। आपसे करा दिए भाई, अब आप जवाब दीजिए इनको। मिश्रा जी, आपने 2 शादियां करके कुंवारे समाज को आहत किया है, इसलिए मजबूरी में हमको FIR करानी पड़ी। हाँ, इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ इनलीगल तरीके से 2-2 बीवियां रखने का आरोप लगाया है, जबकि कानूनन पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी अपराध है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमने दूसरी शादी नहीं करी। अबे तो क्या वो आसमान से टपकी है? शादी नहीं की। अबे बीवियां ऐसे थोड़ी मिल जाती हैं। अब हम ही को देख लो, साला 50-50 जगह अपना फोटो दे चुके हैं, ऊपर से सरकारी नौकरी है, लेकिन अभी तक कमाले बैठे हैं। अब इन दोनों का दर्द हम नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा? चलिए थाने चलिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जब हमारी बीवियों को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम थाने क्यों जाएं? तो ठीक है, अगर तुम्हारी दोनों बीवियां NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती हैं तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए थाने नहीं, घर चलना पड़ेगा। चलो घर चलते हैं। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई परेशानी नहीं है। मिश्रा जी, अब आप भी लिख के दीजिए कि आप इन दोनों का बराबर बराबर ख्याल रखेंगे। ये क्या है? ये लेखपाल हैं कहीं के कि तहसीलदार हैं? जो ये लिख के दे देंगे सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा है दरोगा जी? एक तो तुम हो भद्दर कुंवारे। चुप रहो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। अबे हो जाएगी शादी, अगर ज्यादा बोले ना तो तुम ही को थाने ले चलेंगे। अरे मेरा कहने का मतलब ये था ना कि एक तो हो आप कुंवारे, आप क्या जानो ना आपके मेहरिया है ना बच्चे हैं। पान की दुकान से एक बीवी का खर्चा चलाने में तो आदमी कांख ही मार रहा। और ये देखो, इतना बड़ा ये पनवाड़ी जीदार है कि दुई दुई खड़ी करे। हम तो कह रहे हैं इनके 20 लाठी मारो और ले चलो इनको गिरफ्तार करके बंद कर दो चल के। तुम्हारे कहने से गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर ले, इनकी दोनों बीवियों ने लिख के दिया है कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा इमोशनल हो गया था। ये ऊपर वाला भी ना बड़ा निर्दयी है, हमको एक नहीं दी और इनको दो दे दी। हाँ है ऊपर वाला निर्दयी, अब वो चाहता है कि आप भी निर्दयी बनो, पिला के अपनी लाठी में तेल, इनके 20 मारो, इनकी गुड़िया तक उतार दो। अबे कानून नाम की भी कोई चीज होती है, और सुनो, इनका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ऊपर वाले का है। मिश्रा जी, आप लिख के दीजिए कि आप इन दोनों का पूरा ख्याल रखेंगे। जी, हम दोनों का बराबर से ध्यान रखेंगे। ये लीजिए। गुड, बहुत खूब, अब आपको थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। ऐसे है, थाने आने की कोई जरूरत नहीं है, ले चलिए थाने। अबे अब तुम लोग चलोगे थाने? हम लोग? तुम लोगों से दूसरों की खुशी देखी नहीं जा रही, मुझको देखो, मेरी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं दूसरों की खुशी देख के खुश हो लेता हूँ, बस लीगल होना चाहिए। चलो चलो थाने। इंस्पेक्टर साहब, हम ये कह रहे थे कि हम दोनों भी लिख के देने को तैयार हैं कि हमें इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। अब थाने में लिख के देना, चलो इनको, चलो तुम भी चलो, नेतागिरी ना करो। हाँ, बता रहे, चलो थाने में नेतागिरी करना, चलो। मिश्रा जी, अब हम लोगों में भी सुलह हो गई है कि अब तुम्हारा आधा हिस्सा हमारा होगा और आधा कमला का। आधा हिस्सा? क्या अब हमको आरी से कटवाओगी? लो फिर और सुन लो। अरे हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं,
हम हवेली के अपने आधे हिस्से की बात कर रहे हैं। अरे हवेली का जो हमारा आधा हिस्सा है ना, उसमें से आधा हमारा होगा और आधा कमला का, और हम तीनों ऐसे ही हंसी खुशी साथ में मिलजुल कर रहेंगे। ऐसे कैसे रहेंगे, हम इनको अपनी पत्नी नहीं मानते हैं। अरे अभी तो आपने लिख कर दिया कि आप हम दोनों को एक समान रखेंगे। हाँ वो पुलिस वाले के सामने लिखना था इसलिए लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुमको सच में अपनी बीवी मान लिया है। अच्छा तो ठीक है, फिर से बुला लेते हैं पुलिस को और सच में बनवा लेते हैं। ये लो जरा झाड़ू पोछा कर लो। दीदी दीदी आपका हो जाए तो हमारे कमरे में भी पोछा लगवा दीजिएगा। हाँ क्यों नहीं, हर इस काम में तो ये माहिर है। क्यों मिश्रा जी लगा दोगे ना? लगा देंगे। देखें भाई आज कौन मरा है, किसके यहाँ बैठने जाना है। हमारी दादी शकुंतला देवी का निधन। बाबूजी। हाँ बोले बहू। दीदी आप बोलिए ना। नहीं नहीं आप बोलिए। आओ। नहीं नहीं आप आप बोलिए पहले। क्या हो गया ये लखनऊ के नवाब की तरह पहले आप क्यों कर रही हो? तो ठीक है बाबूजी, बता देते हैं। बाबूजी अब तक तो मिश्रा जी हमारे कमरे में सोते थे, लेकिन अब हम दोनों बहनों का ये फैसला हुआ है कि जो कुछ भी होगा वो आधा आधा बांटकर होगा। तो बताइए ना मिश्रा जी का क्या करना है? अरे क्या करना है मतलब? मतलब कि मिश्रा जी हमारे एक कमरे में सोते थे ना, तो पता चला हमारे कमरे में सो रहे हैं और निकले सुबह को कमला दीदी के कमरे से। भरोसा नहीं रहा ना इनका। ये कैसी बातें कर रही हैं शांति जी? एक बार हमसे गलती हुई है और वो भी पूजा की वजह से। उसने कमरा बदल लिया था। लो फिर और सुन लो, पूजा की गलती नजर आ रही है लेकिन अपनी गलती नजर नहीं आ रही। अरे ये सब छोड़ो और सुनो, उस दिन जब हम यादव जी के अंतिम संस्कार में गए थे ना भैंसा कुंड में, बस तभी हमारे दिमाग में इसका आइडिया आ गया था। तभी? हाँ क्या हुआ, जैसे ही उनके लड़के ने उनको मुखाग्नि दी ना, तो उनकी चिता से ऐसे तीन तीन तरफ से आग निकल रही थी। अच्छा। बस हमारी तभी समझ में आ गई कि भाई अब रमेश के भी तीन हिस्से होंगे। देखो भाई हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ठीक, 3 दिन रमेश तुम्हारे कमरे में सोएगा और 3 दिन रमेश तुम्हारे कमरे में सोएगा। अब बचा 1 दिन, तो उस दिन वो रमेश हमारे साथ सो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बाबूजी ये नहीं हो पाएगा। अरे आप वो हवा बाण चूरन खाते हैं, रात भर आपका शहनाई वादन का कार्यक्रम चलता रहेगा। अरे तो जिस तरह के तुम्हारे कांड है ना, उस हिसाब से तुम्हारा साप्ताहिक कार्यक्रम तो बनता ही है। हाँ भाई आज किसके कमरे में है रमेश का नंबर? अब उसकी चिंता ना करें बाबूजी, इनको हमने उछाल कर टॉस कर लिया था, सीधा गिरे आज हमारे कमरे में सोएंगे। आज पूरे 41 दिन 6 घंटे के बाद हमारे कमरे में आए हैं गोलू के बापू। आज तो धमाल होगा है कि नहीं? देखिए कमला जी, हम नहीं जानते असल में आप क्या चाहती हैं, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दीजिए, देखिए आप ये अच्छी तरह से जानती हैं, हमने आपसे कोई शादी वादी नहीं की है। अब यूं तो हमें ज्यादा लपड़ चपड़ करने की आदत है नहीं, अब पूछ ही रहे हो
तो बता देती हूँ, हमसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, 10 लाख रुपए। क्या 10 लाख? अब समझ में आया, आपने पैसों के लिए इतना ड्रामा किया। अभी जाकर सबको बताते हैं कि आपका क्या प्लान था। बता दो, यकीन कौन करेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि सब मान बैठे हैं कि तुमने हमसे शादी की है, और तुम बोलोगे कि नहीं की है, और हमने 10 लाख मांगे हैं। कौन मानेगा तुम्हारी बात? यकीन ना हो तो ट्राई कर लो। ठीक है, हम भी देख लेते हैं। हाँ, कर लो कर लो, ये भी करके देख लो। मिश्रा मिश्रा, बाहर तो बापू बापू कर रहे थे और यहाँ मिश्रा? तो क्या, तो बापू बापू का जाप करे। ओ सही लौंडे, अभी तुमको बताते हैं।